तो आज मैं आपको बताऊंगी पुराने सलवार को कैसे रीयूज करें। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे पुरानी सलवार हो जाती है उन्हें पहन के हम बोर हो जाते हैं, तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी आप उसको किस तरह से नया लुक दें। ये मैंने पटियाला सलवार ली है और आज आपको बताऊंगी इसको किस तरह से नया लुक दें स्कर्ट बना के। तो जो पहले सबसे पहले हमारी जो मोहरी है हम इसको कट कर लेते हैं। दोनों पैरों की अभी मैंने दोनों मोहरी कट कर ली है। अभी आप देखेंगे तो ये इस तरह से है। अभी जो ये बेल्ट है या तो आप इसको रिमूव कर लें या फिर यहाँ से कट कर लें। मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ, तो सबसे आसान तरीका बताती हूँ। पहले यहाँ से दोनों पीसों में इस तरह से स्टार्ट कर लें और फिर अलग अलग करके काटें। अगर एक साथ काटेंगे तो हमारी बराबर से नहीं कटेगा। तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है और अभी यहाँ से फ्रिल जो है उसके नीचे से काट देते हैं। तो नीचे का पार्ट है ये पूरा अलग हो गया है, देखिए इस तरह से काफी घेरा है। अभी जो ये पीस है हम इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं। ये पूरा घेरा आ रहा है इसमें। पहले हम एक पैर सेट कर लेते हैं, फिर सेम ड्राफ्ट के दूसरा। एकदम बराबर से इसको सेट कर लें। अभी हमारी जो मोहरी है यहाँ पे हम कमर का साइज लेंगे और नीचे पूरा हमारा घेरा जाएगा। तो सबसे पहले इसका इसका लंबाई ले लें कितना है, तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पे गुलाई देनी पड़ेगी इसकी। तो देखिए यहाँ पे ये 29.5 इंच के आसपास आ रही है। तो सेम हम इसी तरह से इसको टेप को यहीं पर रखेंगे और इसकी गुलाई देना शुरू कर देंगे। और फिर इस साइड से भी इसी तरह से 29.5 इंच ये जो कॉर्नर है यहाँ से ले लें। तो देखिए जो ये आएगा पूरा हमारा ये घेर में आ जाएगा, ये अम्ब्रेला कट जैसे। ये एक पार्ट रहेगा जो दूसरा पैर का आएगा उसका दूसरा पार्ट, तो ये काफी घेर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे हम आसन का मेजरमेंट ले लेते हैं, जो कि अगर ये आप कपड़ा ज़्यादा है जैसे तो आप इसको सिलाई को खोल लें जिससे कि आपको ज़्यादा कपड़ा मिल जाएगा कमर में। तो इसको हम जो पॉइंट दिया है सेम पॉइंट पे इसको कट कर देते हैं। इसका कमर का साइज भी बता देते हैं कितना आ रहा है। तो ये काफी साइज है, आप इसको अगर ज्यादा लग रहा है तो आप इसमें प्लेट डाल सकते हैं। तो आप देखिए ये एक ही पीस में 21 इंच आ रहा है, अगर हम डबल करेंगे तो ये 42 इंच हो जाएगा। उसके अलावा इसमें लास्टिक डालेंगे तो बराबर से रहेगा, तो मैं इसमें लास्टिक डालूंगी, जितना ये पीस है सेम रखूंगी, सेम में नेफा लगा के इलास्टिक डाल देंगे। अगर आप इसमें बेल्ट लगाना चाहते हैं, अगर इलास्टिक नहीं डालना है आपको, नाड़ा नहीं डालना है, करेक्ट साइज की आपको बेल्ट अटैच करनी है, तो आप सेंटर में ये बॉक्स प्लेट में डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे ये जो रेडीमेड स्कर्ट आती हैं या हम बनाते हैं उनमें इस तरह से बॉक्स प्लेट डालते हैं। इस तरह की प्लेट डालने के बाद में और आप साइड में हुक या जिप लगा लें और बेल्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी, तो जैसे मैंने ये पीस तैयार कर लिया है इसी तरह दूसरा पीस भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्कर्ट बनेगा काफ़ी घेर है, ये अम्ब्रेला कट जैसा आएगा। अगर इसकी हाइट तो 27 आ रही है, लेकिन 2 इंच हम बेल्ट कर देंगे तो 29 के आसपास हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हाइट थोड़ी ज़्यादा करनी है तो जो हमने ये बेल्ट कट करी थी सेम बेल्ट को आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो आप देखिए अटैच करोगे तो आपकी इसकी हाइट इतनी बढ़ जाएगी। तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं हाइट बढ़ा के फुल। मैं इसमें नेफा लगा के इलास्टिक डालूंगी, तो इसमें से मैं कट कर लेती हूँ। मैं इसको शॉर्ट स्कर्ट बना रही हूँ इसीलिए खाली इसमें 2 इंच का नेफा लगा रही हूँ। आप लॉन्ग करना है तो आप इसको पूरा बेल्ट को अटैच कर सकते हैं। ये कमर का पार्ट है ऊपर का, तो पहले हम यहाँ पे वन साइड इसको
सिलाई डाल देते हैं, उसके बाद फिर इसमें नेफा लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़ा कट कर लिया, जो बेल्ट था उसमें से नेफा कट कर लिया है, और ये 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है मैंने, और अभी इसको स्टिच करते हैं। से इसको 80% इलास्टिक डालनी है। तो पहले पिन में इसको लगा लें और उसके बाद इसको अंदर डालें। तो जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट की, तो आप यहाँ पहले इसको लॉक कर दें, अगर आप इसको खींचेंगे तो ये फिर निकल जाएगी, तो इसको यहीं पे लॉक कर दें। तो ये दूसरे कोने पे हमने निकाल दिया, तो अभी पिन को निकाल देते हैं और इसको यहीं पे इसको लॉक कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड में लॉक कर दिया है, और अभी इसको अच्छा लुक लाने के लिए अभी इसको हम और सिलाई डाल देते हैं इलास्टिक पर। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे रख लें, और सिलाई बड़ी कर लें, जितना आपका लास्ट है बड़ा नंबर पे सेट कर लें, और फिर इलास्टिक को खींचते हुए इसमें स्टिचिंग डालेंगे। साइड से मैंने इसको स्टिच कर दिया, अभी ये नीचे का पार्ट है, आप चाहे तो इसमें पीको कर सकते हैं, चाहे बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट बॉर्डर लगा रही हूँ, ना फोल्ड कर रही है ना पीको कर रही हूँ, इसी तरह बॉर्डर लगाना आपको बताती हूँ किस तरह से लगाना है। तो यहाँ से जो हमारा यहाँ पे स्टिचिंग का पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बॉर्डर लिया, आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ये बॉर्डर ले लिया है, तो आज आपको वो तरीका बताती हूँ, जैसे आप अम्ब्रेला कट में बॉर्डर लगाते हैं तो क्या है कि नीचे तो बराबर से लग जाता है, जब हम ऊपर सिलाई डालते हैं तो उसमें फ्रिल आती है। आज मैं एक आपको नया तरीका बताती हूँ जिससे आपकी कोई फ्रिल नहीं आएगी। तो या तो आप इसको हाइट बढ़ाना है तो नीचे से लगाएं, अगर आपको हाइट नहीं बढ़ानी है, आपको सेम हाइट में ही बॉर्डर लगाना है, तो जितना चौड़ा बॉर्डर है आपका उतना उसको ऊपर ले लें। तो देखिए यहाँ पे तो आपको जो सिलाई डालनी है बस एक ही सिलाई ऊपर की साइड में डालनी है, नीचे की में नहीं डालेंगे, नीचे की में डालेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ एक सिलाई डालें जिससे कि आपका लहंगा का जो बॉर्डर है वो एकदम बराबर से बैठे। अगर आपको डाउट हो रहा है कि नीचे ये खुला रहेगा तो यहाँ पर हाथ से आप टांका लगा सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से 1/2 इंच इसके ऊपर से इस तरह से लगाऊंगी, तो इसकी जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आएगी। तो देखिए बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप देखेंगे कहीं भी कोई भी फ्रिल नहीं दिखेगी आपको इसमें। तो देखिए और इसका जो घेर है वो काफ़ी है, इतना अम्ब्रेला कट में भी नहीं आएगा, उससे ज़्यादा घेर हमारा ये पटियाला सलवार में से जो स्कर्ट बनाई है इसमें घेरा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 से 5 मीटर के आसपास इसका घेर है पूरा, तो जब अगर हम अम्ब्रेला कट भी बनाते तो भी इतना घेर नहीं आता। जब आप सलवार पहनते पहनते बोर हो जाए तो आप इस आसान तरीके से पटियाला सलवार में से स्कर्ट बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।